नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर गोस्वामी। जैसे मेरे लास्ट वीडियोस में आपने समझा था आरएम का रोल, तो इसी तरह कुछ और वीडियोस में मैं बीएफएसआई के अलग अलग जॉब रोल्स को बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप सबको अच्छे से समझ आ जाए। आज हम बात करेंगे सीएसओ यानी कस्टमर सर्विस ऑफिसर के बारे में। कहीं कहीं इसको बोलते हैं कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव या कस्टमर सर्विस एसोसिएट। बीएफएसआई बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर में कस्टमर सर्विस ऑफिसर का रोल बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है, बहुत ही जरूरी होता है। यह रोल कस्टमर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन और बैंक के डे टू डे ऑपरेशंस, जो दिन प्रतिदिन काम होते हैं, उनको स्मूथली चलाने में हेल्प करता है। चलिए इसको जरा डिटेल में समझते हैं। कस्टमर इंटरेक्शन करना यानी कस्टमर की जो क्वेरीज है, जो उनकी समस्याएं हैं, उसको हैंडल करना और उन इश्यूज को रिजॉल्व करना, उनका सोल्यूशन देना, कस्टमर्स को बैंक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन देना, अकाउंट ओपनिंग क्लोजिंग और मॉडिफिकेशंस के लिए कस्टमर को गाइड करना, ट्रांजैक्शन हैंडलिंग में इनका जो काम है कैश डिपॉजिट्स, कैश विड्रॉल्स, चेक प्रोसेस करना, फंड ट्रांसफर को प्रोसेस करना, एटीएम कार्ड्स, चेकबुक, पासबुक, इन सबको इशू करना और मेंटेनेंस में हेल्प करना। इनका जो काम है सीएसओ का कंप्लायंस और सिक्योरिटी में भी काफी है। बैंक की जो पॉलिसीज है, जो उनकी रेगुलेटरी गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करना होता है। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन, मतलब कस्टमर की जो पहचान है उसको समझना, उसको वेरीफाई करना, ये जो प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं केवाईसी, नो योर कस्टमर, इसको अच्छे से कंप्लीट करना होता है। फ्रॉड डिटेक्शन और प्रिवेंशन मेजर्स को इंप्लीमेंट करना होता है। ये काम है कस्टमर सर्विस ऑफिसर का। इसके अलावा दोस्तों, हाई क्वालिटी कस्टमर सर्विस देना और कस्टमर को सेटिस्फाई करना, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इनहांस करना, कस्टमर के जो फीडबैक होते हैं उसको कलेक्ट करके सर्विस इंप्रूवमेंट सजेशंस देने का काम भी काफी अहम होता है। इसके अलावा एस्केलेटेड जो इश्यूज हैं, जो वो दिक्कतें कस्टमर्स के जो काफी एस्केलेट हो चुकी हैं, उनको जल्द से जल्द रिजॉल्व करना, सेल्स और प्रमोशंस। प्रमोशन में भी कस्टमर सर्विस ऑफिसर का अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। बैंक के वेरियस जो अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, सर्विसेस होते हैं, जैसे लोन, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, इनको प्रमोट करना, स्ट्रांग कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करना और उन्हें मेंटेन करना एक आगे चल के बिजनेस जनरेट करने के प्रोसेस के लिए, रिपीट कस्टमर और हाई वैल्यू क्लाइंट्स के लिए पर्सनलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड करना। दोस्तों, क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग भी एक अच्छा खासा रोल होता है कस्टमर सर्विस ऑफिसर का, या यूं कहूं कि हर एक बैंकर का जो एक ब्रांच में काम करते हैं, उनको ये काम करना होता है, क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग। जरा शायद हो सकता है आपके लिए क्रॉस सेलिंग या अप सेलिंग नए टर्म्स हो, चलिए समझते हैं जनरल टर्म में या आसान भाषा में समझते हैं होता क्या है। अगर कस्टमर को एक सामान लेना है बट हम उसको एक से ज्यादा सामान बेच देते हैं तो वो होता है क्रॉस सेलिंग। एग्जांपल के तौर पे कस्टमर हमारे पास आता है अकाउंट ओपन कराने के लिए, अकाउंट ओपनिंग के साथ साथ हम उसको क्रेडिट कार्ड भी दे देते हैं, ये होता है क्रॉस सेलिंग। वहीं पे अप सेलिंग को समझते हैं जनरल टर्म में, अगर कोई कस्टमर को 10 रुपए का सामान चाहिए लेकिन हम उसको 50 रुपए का सामान बेचते हैं, वो होता है अपसेलिंग। एग्जांपल के तौर पे, अगर कस्टमर हमारे पास आया है एक सिंपल सा, एक नॉर्मल सा या बेसिक सा सेविंग अकाउंट ओपन कराने के लिए, लेकिन हम उसको एक प्रीमियम सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, तो ये है अपसेलिंग। कस्टमर सर्विस ऑफिसर को कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव का भी काम देखना होता है, जैसे डेली रिपोर्ट्स और ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, अकाउंट स्टेटमेंट और भी अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना, बैंक्स की जो इंटरनल सिस्टम है और सॉफ्टवेयर को एफिशिएंटली अच्छे से यूज करना। अब समझते हैं दोस्तों, बैंक में कस्टमर सर्विस ऑफिसर या सीएसओ के लिए कौन कौन से स्किल्स की जरूरत पड़ती है अगर आपको सीएसओ बनना है बीएफएसआई में, तो कौन कौन से स्किल्स आपको आनी चाहिए, चलिए समझते हैं इसके बारे में। बीएफएसआई की बात अगर हो रही है तो स्किल्स आपके ज्यादातर जो सामने आएंगे वो होंगे कम्युनिकेशन स्किल्स। जी हाँ दोस्तों, आपको बातचीत करना आना चाहिए, आपकी रिटन कम्युनिकेशन भी काफी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है ज्यादातर आपको व्हाट्सएप या मेल के जरिए अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को एंटरटेन करना पड़े, सर्व करना पड़े। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यानी जो भी कंसर्न है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने का आपके पास बहुत अच्छे तरीके होने चाहिए, क्विक और एफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए, ताकि कस्टमर की जो दिक्कतें हैं उसको कम समय में रिजॉल्व किया जा सके। थर्ड पॉइंट,
नेक्स्ट पॉइंट अगर बोलूं तो दोस्तों ये बहुत बड़ा हथियार है सीएसओ का, जो कि है पेशेंस एंड एम्पैथी। मैं सिर्फ सीएसओ की बात नहीं करूंगा, अगर आप बैंक में काम करते हैं, ब्रांच बैंकिंग में है, रिटेल बैंकिंग में है, तो पेशेंस और एम्पैथी बहुत बड़ा आपका हथियार के तौर पे काम आएगा। कस्टमर की जरूरतों को अच्छे से समझना और उसके अकॉर्डिंग उनको बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना, ट्रांजैक्शंस और डॉक्यूमेंटेशंस में एक्यूरेसी इंश्योर करने के लिए अटेंशन टू डिटेल होना जरूरी है। सेल्स और मार्केटिंग स्किल्स भी होना चाहिए ताकि बैंक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इफेक्टिवली प्रमोट कर सके आप आसानी से। तो दोस्तों इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए अड्डा 24/7 के साथ। और 23 जुलाई, ये बार बार डेट आपके सामने आ रहा होगा क्योंकि 23 जुलाई को कुछ ऐसा होगा जो आपके लिए, आपके करियर के लिए एक बहुत अच्छा बेनिफिशियल पॉइंट होगा। दोस्तों 23 जुलाई का इंतजार करिए, जब आपको एक बड़ा सा सरप्राइज मिलेगा। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।